पॉयोम ऑफ डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन हंड्रेड एंड सैट इट डूब माइनस एक्स एज ए फैक्टर राइट एक्स क्यू माइनस एक्स इसका फैक्टर नहीं है जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मतलब एक्स इसका फैक्टर हो सकता है राइट मतलब x इसको डिवाइड कर सकता है बट एक्स क्यू माइनस एक्स डिवाइड नहीं कर रहा माइट बी कि x इसका फैक्टर एक्स प्लस वन इट इट डजेंट मीन कि x x प्लस वन एक्स माइनस वन जो जो इसके एक्स क्यू माइनस एक्स के तीन फैक्टर हैं ठीक है वो इंडिविजुअली नहीं होंगे इंडिविजुअली हो सकते हैं तीनों एक साथ नहीं होंगे ये बेसिकली क्या x एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये तीनों अवेलेबल नहीं हैं px एक्स के अंदर इनमें से एक

a factor of px <coughs> means maximum uh, 2 of x x minus 1 and x plus 1 okay. can be factor of

ओके से सो यहां पे हम uh, um, मैं कहूंगा कि सो एफ आई मीन लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वेर विदाउट एनी लॉस ऑफ एरिया आप कोई दो ले लो मैक्सिमम ठीक है ना दो है तो उससे क्या होगा कि डिग्री लीस्ट आएगी यहां पे अगर दो कैंसिल कर दोगे ना आप ठीक है तो डिग्री फिर लीस्ट आएगी एक्सक्वेर माइनस वन इज अ फैक्टर सपोज तो देखते हैं क्या आता है और हम अज्यूम करेंगे बाद में केस टू में कि कोई भी फैक्टर नहीं इनमें से तो क्या पॉसिबल बनती है इज अ फैक्टर देन अब देखो कि जो एफ एक्स बाई जी एक्स है आई मीन पी एक्स बाई एक्स बाई एक्स क्यूब माइनस एक्समें फैक्टर आ गया है इज फैक्टर ऑफ पी एक्स कहना चाह रहा हूं मैं तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सम पी वन एक्स अपॉन एक्स में राइट right? और यहां पे देखा जाए तो इसका जो डिग्री है पी वन पीएक्स की डिग्री देखो पीएक्स की डिग्री यहां पे गिवन है स्ट्रिक्टली लेस देन हंड्रेड लेस नाइनटी नाइन है और दो डिग्री हमने और कैंसिल कर दिया है अगर ये फैक्टर बनता है तो इसकी डिग्री क्या है इसकी डिग्री है लहजन और सेवन तो इसमें क्या है कि जब मैं जब इसको आप थोड़ा डिवीज़न और यूज़ करें तो इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ लाइक क्यू एक्स प्लस एक से डिवाइड करके आप सारे टर्म डिवाइड कर लो तो, तो यहाँ पे एक कुछ कांस्टेंट आएगा सम ए अपॉन एक्स आ जाएगा ठीक है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हंड्रेड टाइम्स डी हंड्रेड dx हंड्रेड px अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स इसका मीनिंग हो जाएगा डी हंड्रेड बाई डी एक्स हंड्रेड क्यू एक्स जिसकी डिग्री इनफैक्ट हो जाएगी 96 या उससे कम ठीक है x डिवाइड किया हमने qx प्लस चलो ठीक अलग-अलग कर सकते हैं d by dx ऑफ a by x तो यहां पे a इज अ ए सम कांस्टेंट तो ये तो देखिए इसको 97 डिग्री 96 या से या उससे कम है और 100 टाइम डिफरेंशियल को तो जीरो आ जाएगा और यहां पे यू विल गेट समथिंग कुछ आ, आएगा हंड्रेड टाइम्स किया तो एक, पहली बार एक्स का पावर माइनस टू आएगा फिर एक्स का पावर माइनस थ्री आएगा तो इस तरह से आ, इसमें हंड्रेड टाइम्स अब करेंगे एक, पहली बार किया तो एक्स का पावर माइनस टू हंड्रेड वन आएगा सम कांस्टेंट तो यहां पे ना हंड्रेड दो बार डिफरेंट प्लस हो जा रहा है तो हंड्रेड फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इंटू ए सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स रेज पर हंड्रेड वन कुछ ऐसा आ रहा है तो ये आपका है एफेक्ट्स बाईक् तो डिग्री ऑफ इफेक्ट्स इन दिस केस जो इसमें पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इफेक्ट्स इन दिस केस हेयर डिग्री डिग्री ऑफ एफेक्ट्स इज जीरो है तो यहां पे है इस केस में शायद क्वेश्चन में ये, ये पूछना ही चाह तो थे तो दो तरह की सिचुएशंस बन रहे हालांकि केस टू ही मेन क्वेश्चन मुझे लग रहा है इसका होना चाहिए था बट ठीक है, है तो अब दोनों कंसिडेशन कर लेते हैं तो मिनिमम डिग्री तो वैसे दिखाया तो जीरो ही है आंसर बट अगर सपोज हम क्वेश्चन लेके चलें कि नहीं नन ऑफ एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन डिवाइड पी एक्स तो क्या होगा यहाँ पे हम सेकेंड केस बनाते हैं कि इफ नन ऑफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन बाई डिवीजन एलगोरिदम कैन से जो आपका पी एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स है और जिसके तीन फैक्टर X, X 1, 1, इसको वी कैन राइट सम एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर में डिग्री थ्री है जो डिवाइजर है यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कॉलेडी लिया है मैंने एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और फर्दर मेथड ऑफ पार्शल फ्रैक्शन कहता है अच्छा इसकी डिग्री क्या है डिग्री है आई थिंक हंड्रेड से कम दिया था हाँ लेस देन इक्वल नाइन्टी नाइन है तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन आई थिंक नाइन्टी सिक्स ठीक है थ्री से डिवाइड किया ना ओके एंड क्योंकि uh, तो इसकी डिनोमिनेटर डिग्री थ्री थी तो क्योंकि ठीक है तो डिवाइजर जो है उसकी डिग्री थ्री है यहाँ पे uh, हम क्या करने वाले हैं इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस सम ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिड्यूस किया जा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन फाइंड एबीसी बट इट विल डिपेंड अपॉन पीएक्स गिवन क्योंकि हमें अच्छा इसको ए नहीं लेना चाहिए मुझे शायद यहाँ ए बी सी में यूज कर रहा हूं तो इसको हम ए बी सी ना लिख के पी क्यू आर लिखेंगे राइट तो यहां पी क्यू आर लिख लेते हैं ना इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ठीक है uh, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं तो क्यू एक्स की डिग्री हम uh, याद रखते हैं कि चलो ठीक है एक बार यहाँ लिखे डी हंड्रेड अपॉन डी एक्स हंड्रेड हमें निकालना है पी एक्स बाई एक्स क्यू माइनस एक्स तो यहाँ पे डी हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यू एक्स पार्ट इुड बी जीरो प्लस यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा ए अपॉन एक्स रेस पर हंड्रेड वन सम कॉन्स्टेंट इसमें फैक्ट्रियल इन्वॉल्व होंगे वैसे तो उसी को क्लब करके मैंने ए बोला है प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन रेज पर हंड्रेड वन वेन यू डिफरेंशिएटेड सम कॉन्सटेंट सी अपॉन एक्स प्लस वन होल रेज पर हंड्रेड वन ठीक है तो वैन वी डिफ्रेंशिएटेड तो इसमें पावर्स बढ़ते जाएंगे फर्स्ट टाइम में एक्स का पावर टू आएगा जैसे यहाँ पे थर्ड टाइम जैसे ऊपर मैं थर्ड टाइम में एक्स का पावर सेकेंड टाइम में एक्स का पावर थ्री आ जाएगा कैच करें तो 100 आएगा। ये आ गया और तो तो कर तो कितनी की बार की कर रहे हैं पॉल्यूमर ऑफ डिग्री नाइनटी सिक्स या उससे कम है तो इसको 100 जीरो आ जाएगा नाउ कमिंग टू दिस पार्ट इसको हम मेंशन कर सकते हैं वेल कम टू द नेक्स्ट फेज एक्सरसाइज फॉर हंड्रेड वन ठीक है we'll तो इसको हम लिख सकते हैं एज uh, ए um, क्या था एक बार देखें जरा एक्स एक्स स्क् माइनस वन एक्स स्क्र माइनस वन का पावर हंड्रेड वन प्लस बी और एक्स एक्स प्लस वन तो एक्स स्क्वेर प्लस एक्स का पावर हंड्रेड वन एंड प्लस सी है एक्सक्र माइनस एक्स का पावर हंड्रेड वन सो यहां पे एजुम कर सकते हो कि यही आपका पी है, है यही बनेगा न्यूमरेटर ही पी एक्स है आपका सॉरी क्वेश्चन हाँ, में दिस इज एफ एक्स सो एफ एक्स इज दिस इसकी जो लीस डिग्री पॉसिबल है वो क्या है वो देखते हैं दिस इज न्यूमरेटर you can see in the question, कि इसको हमने जो एफ एक्स बाई जी एक्स एलसीम वगैरह लेंगे आप तो ये दिया हुआ है fx by gx. Gx obviously जो होगा वो x, q -x whole raise 100, one हो जाएगा And fx हमने लिखा है numerator को ये no, yeah. तो इसमें अब पॉसिबल क्या है लीस्ट पॉसिबल डिग्री क्वेश्चन एक बार देखें कि हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ एफ एक्स बताना है तो क्या लगता है इसमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री क्या होना चाहिए इसको सर्च आउट करते हैं सो वी ओपन जैसे मैं लिख सकता हूं एक्स रे स्पाइ टू हंड्रेड टू माइनस हंड्रेड वन सी वन एक्स रे स्पाइट टू हंड्रेड देखो क्या होगा एक्स स्क्वेर का पावर हंड्रेड आएगा तो ये टू हंड्रेड हो गया ऐसे करते करते फिर आगे बढ़ सकते हैं प्लस फिर बी के साथ देखें तो इसमें अगेन आई मीन एक्स रेस पावर टू हंड्रेड टू प्लस हंड्रेड वन सी वन एक्स का पावर टू हंड्रेड इन टू एक्स आएगा तो एक्स का पावर टू हंड्रेड वन आएगा प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड वन सी टू और एक्स का पावर स्क्वेयर का पावर 99 नाइन दैट इज वन एट और एक्स स्क्वेयर आएगा तो टू हंड्रेड आ गया यहां पे ऐसे करके आता जा रहा है इसको चाहो तो आप x कॉमन भी ले सकते हो यहां पे ये आ गया और C में आ रहा है आ, इसी के ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगे एक्स रे स्पावर टू हंड्रेड टू माइनस जो B के साथ आया ना एक्स रे टू हंड्रेड वन प्लस सी टू एक्स के पावर टू हंड्रेड माइनस लाइक दिस सो इफ यू कलेक्ट द टर्म्स ना एक्स रे स्पावर जैसे a प्लस बी प्लस सी बना एक्स रे स्पावर टू हंड्रेड टू तो डिग्री अभी तक जो दिख रहा है वो टू हंड्रेड टू दिख रहा है हमें यहाँ पे एफ की डिग्री बट यहां पे लीस्ट पॉसिबल बोला है थोड़ा सा और हमें सर्च करना पड़ेगा कि और क्या पॉसिबिलिटी है डिग्री रिड्यूस करने के हिसाब से प्लस बी प्लस सी दिख रहा है यहाँ पे न्यूमरेटर ओके okay, बी प्लस सी ना टू हंड्रेड टू कर चेक एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन ठीक है

प्लस आ रहा हाँ, है प्लस आ रहा है पक्का हा इसमें आ रहा है माइनस ओके, हंड्रेड वन ए सॉरी ये आ रहा है हंड्रेड वन ए हंड्रेड वन ए विद माइनस साइन प्लस हंड्रेड वन इंटू हंड्रेड टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स बी प्लस सी एक्स रे स्पॉट टू हंड्रेड प्लस फ्यूअर टर्म्स तो ये निकल के आ रहा है ठीक है तो अब इसमें अगर हम देखें तो कैन वी रिड्यूस कैन वी चूज सम लाइक पॉसिबिलिटी है क्या कि अगर इसमें डिग्री रिड्यूस कर पाए तो डिग्री मैक्सिमम से रिड्यूस कर लोअर डिग्री रिड्यूस करने का फायदा नहीं है मैक, मैक्सिमम डिग्री रिड्यूस करना चाहिए हमें जो डिग्री एक्सरसाइज फॉर टू हंड्रेड टू है उसमें आ, लेट फॉर सम लाइक इफ यू चूज सपोज कुछ ऐसा दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाए जीरो एंड बी माइनस सी भी जीरो कर सकते हैं आप कैसे टेकिंग टेकिंग बी इक्वल टू सी ले लेंगे जैसे बी एंड सी है ना पॉसिबल है तो लिस्ट पॉसिबल पूछा था बी को लो सी ले लो और आप ए ले लो माइनस टू सी तो ये दोनों जीरो जाएंगे बट इन दैट केस कॉफिशेंट ऑफ एक्स रेस पॉ टू हंड्रेड जो है वो क्या आएगा माइनस हंड्रेड वन इंटू टू प्लस हो जाएगा ये ठीक है माइनस टू सी कर देता हूँ

टू प्लस सॉरी दिस वॉज hundred one C two एक मिनट ये हंड्रेड वन सी टू है सो दिस इज हंड्रेड इंटू हंड्रेड बाई टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड बाई टू सो ये हंड्रेड है तो ये आ गया हंड्रेड वन इंटू हंड्रेड टू इंटू सी तो ये आ रहा है हंड्रेड वन इंटू हंड्रेड टू इंटू सी तो ये जो कॉपी दिस इज नॉट जीरो बिकॉज सी यहाँ जीरो नहीं है ऑब्वियसली देखिए जब हमने यहाँ पे अज्यूम किया था तो ये जो सी पार्ट है ये जीरो नहीं होगा नन ऑफ ठीक है यहाँ लिखा है नन ऑफ दिस है ना एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन फैक्टर ऑफ बी एक्स तो यहाँ पे ए बी सी डेफिनेटली जीरो नहीं है ये पक्का है तो क्योंकि ए बी सी अगर जीरो होगा तो फिर तो सारे ए बी सी जीरो हो गए ए ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है, अगर आप इस केस में जैसे हमने ऑलरेडी बी को सी रखा है ए को माइनस ओ सी रखा सी जीरो लेंगे तो फिर ए बी सी तीनों जीरो हो गए फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ये वाला केस हमारा जो सेकंड केस इन दैट केस देखें कि कॉफी कॉफिशन टू हंड्रेड नॉट जीरो हो हो जा ये हो जा रहा रहा है है ये जीरो इट ऑल्सो द लीस्ट लीस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ एफेक्स इज टू हंड्रेड तो यहां आंसर है टू हंड्रेड तो फर्स्ट केस में आंसर था कि जीरो था यहां टू हंड्रेड था दोनों पॉसिबिलिटी हमने देखी तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को राइट तो यहां आंसर या तो जीरो टू क्वेश्चन नंबर वेरी गुड क्वेश्चन तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स राइट द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एन राइट